जी जी, आपकी पसंद की मटर पनीर बनाए हैं हम। तिवारी जी को भी बहुत पसंद है ना। लाइए परोस देते हैं। मम्मी मेरी माने तो आप भी खाना खा लीजिए हमारे साथ। पापा का कब तक वेट करोगे, कब तक आएंगे पता नहीं। ना ना, तुम लोग खा लो, हम तो इनके बिना नहीं खाएंगे, इनके आने के बाद ही खाएंगे साथ। वाजी दाल। हथकड़ी कैसे? हथकड़ी कौन फेंके काम आए घर में? आदि फेंक दे जाए तुरंत। जी बोलो। मैं देख के आता हूं। हेलो, ये हथकड़ी कौन फेंक रहा है? हिम्मत है तो सामने आओ। तुम यहां पे क्या कर रही हो? यहाँ पे क्यों आई हो? मैंने तुम्हें हजार बार समझाया कि तुम्हारे मेरे बीच में अब कुछ नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? हाँ, एक नंबर की बेशर्म और गिरी हुई औरत हो तुम। आदि, इसे इसी वक्त यहां से बाहर निकाल दे। इसी वक्त हम एक पल भी इसकी शक्ल नहीं देखना चाहते इस घर में। ठीक नव्या, प्लीज तुम। प्लीज रानू, ऐसे मत करो ना मेरे साथ। जन्म जन्म का साथ का वादा किया है हमने। मुझे पता है कि सासू माँ ने तुम्हें नई पट्टी पढ़ाई है, but don't worry, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। आपको क्या लगता है कि मैं आपकी आरती उतारने आई हूं? ये देखिए, आरती की थाली नहीं है, हथकड़ी है जो बहुत जल्द आपके हाथों में लगने वाली है। देखते हैं
कौन मुझे मेरे ही घर में आने से रोकता है? किसी में हिम्मत है तो रोक के दिखाए। अरे नव्या, अरे हमने क्या किया तुम्हारा? हम तुम्हारी भाभी है ना, छोड़ दो हमें। नव्या छोड़ो हमारा हाथ। मामी जी, अरे नव्या हमारी हथकड़ी खोल दो, हमने कहा बिगाड़ा तुम्हारा। हम जो बोली ना उसे, आदि से बोल इंदु की हथकड़ी तो खोले। सुन ना रहा है तू? इसे तो आज हम नहीं छोड़ेंगे। को ऐसे झूठी धमकी देकर हथकड़ी दिखा के डराएगी का? मम्मी, हमारे हाथ। मम्मी, मम्मी रुके। नव्या को कुछ मत बोलिए प्लीज। काहे? आज तू हमें नहीं रोकेगा? हमारी बोली हुई बात भूल गया का? मम्मी वो सारी बात सही है, लेकिन नव्या अभी भी मेरी लीगली वाइफ है। हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है। हाँ तो क्या हुआ? तलाक के पेपर भिजवा देंगे ना उसके घर पे, लेकिन उसे अब हम इस घर में तो नहीं रहने देंगे, चाहे कछु भी हो जाए। मम्मी मम्मी प्लीज, नव्या को इस घर से बाहर मत निकालिए। वाह भाई वाह, आसमान रचो है माँ बेटे ने मिलके, आनंद आ गया। पहले माँ घर में वापस आई, फिर बेटा आ गए हो, अब बेटा बहू को ला रहे हो। वाह, सुनिया कहा जाता है अपनी माँ को झूठी नंबर वन का मेडल दिलवाना चाहता है का? इतनी मुश्किल से सबको भरोसा दिलवाया था अपनी बात का, लेकिन नहीं, हम इतनी आसानी से नहीं मानेंगे हार। अपना सच साबित करके रहेंगे। हाँ मम्मी, अगर तुझे अपनी माँ की लाश देखनी है ना, तब बोल कि नव्या को रखना है इस घर में। मम्मी मत करो। ठीक है, तू लाश देखना चाहता है ना अपनी माँ की, तो देख। मम्मी आपको चोट लग जाएगी, छोड़िए इसे। छोड़, जो चोट हमारे दिल पे लगी है उससे बड़ी कौन सी चोट हो सकती है आदि? इतनी मुश्किल से तो जी जी, और तुम्हारे पापा ने हम पे भरोसा किया था। अरे ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि हम मर जाए। मम्मी इसे छोड़िए प्लीज। मम्मी छोड़िए इसे। मम्मी छोड़िए इसे। छोड़ो आदि। मम्मी छोड़िए। छोड़ो। मम्मी छोड़ो। छोड़ो आदि। मर जाने दो हमें। ये रुको। बस। अरे दिमाग खराब हो गया, चल क्या रहा है इस घर में? ये घर है पागल खाना? कोई हथकड़ी बांध के घूम रहा है, कोई चक्कू लेकर आत्महत्या की धमकियां दे रहा है क्या ये? क्या उस फाइल में जो एकदम से इस घर में तूफान आ गया? पापा नव्या ने हम सब पे पुलिस केस कर दिया है, क्या उसे जबरदस्ती घर से बाहर कर रहे हैं? और डाउरी के लिए टॉर्चर कर रहे हैं हम उसपे। डाउरी? और अगर नव्या को हमने घर से बाहर किया तो सेक्शन 304B एंड 498A के तहत हम सबको जेल जाना पड़ेगा। और आप लोग जानते हैं कि औरतों के मामले में गवर्नमेंट और कानून कितना सख्त हो गया।
अगर नव्या ने पुलिस कंप्लेंट वापस नहीं ली तो मम्मी और बुआ को जेल जाना पड़ेगा, वो निश्चित है। बाप को राज है का? पिद्दी भर की छोकरी हम सबको जेल भेजेगी है? बुआ जी, बुआ जी, बात को समझिए। ये देखिए, आपके साथ ऑलरेडी इतनी बड़ी घटना घट चुकी है, अब आपको और मम्मी पापा को मैं जेल जाते हुए नहीं देख सकता। बुआ जी, प्लीज बात को समझिए। अगर नव्या को हमने घर से बाहर किया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आदि, मम्मी बात सुनिए, मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं नव्या को छोड़ दूंगा, लेकिन जब तक हमारा डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। प्लीज मम्मी। नहीं, इस घर में मैं चैन से कब जी पाऊंगा। देखो दीदी, कैसी है ये जिनव्या। पहले तो केवल हमें अपने जाल में फंसा था और अब तो हमारे पूरे परिवार को जेल में डाल देना चाहती है। आप चिंता नहीं करो, इसे अब हम बताएंगे कि असली सास होती का है। एक औरत जब नागिन का रूप ले लेती है तो अपने दुश्मन को कभी नहीं छोड़ती है। आज से हमारे लिए इससे बड़ा कौनो दुश्मन नहीं है। हमें जेल भेजेगी, हम इसका इतना जीना मुश्किल कर देंगे इस घर में कि जेल से भी बदतर हो जाएगा जय घर इसके लिए। आप तो बस आदि के लिए लड़की देखना शुरू कर दो, हमारे घर में वारिस आके रहेगा। हम कैसे विश्वास कर लें तेरी बात पर? एक हफ्ता, हमें केवल एक हफ्ता दे दियो जीजी। इस एक हफ्ते में हमने इस नव्या को इस घर से और हमारे आदि की जिंदगी से निकाल के बाहर नहीं फेंक दिया तो हमारा नाम भी रेणुका तिवारी नहीं। आदि, बस एक हफ्ता है मम्मी जी के पास। इस एक हफ्ते में उन्हें पता करना है कि बुआ जी का प्लान क्या है। बंसी वाले, इस एक हफ्ते में हमें जीजी का सच दिखा दो। इस एक हफ्ते में मैं तेरे सारे पैंतरे तेरे ऊपर ही भारी कर दूंगी रेनू। अरे, आपको तो जुकाम हो ही गया। नहीं नहीं, कुछ ठीक हूं मैं, तुम जाओ उस वजह।
जी कहाँ है आदमी? लहसुन की बदबू कहाँ से आ रही? जी जी हम सरसों का तेल गरम करके लाए हैं, लहसुन डाल के। इनको जुकाम हो ही गया है तो हम क्या करना चाहते हैं इनको? ले जाके लगाए दे बॉय, अब तो हम नींद में उठ के लगावेंगे। जी जी आप एक बार बोल दियो ना इनको, हमसे लगवाएंगे ना ही ऐसे। अरे लल्ला माँ जी चुपचाप सो जा, मुंह फाड़ के। लल्ला करवा ले जाते मालिश, वरना ये भूतनी की तरह घूमती रहेगी रात भर हमारे सर पे। जा ले जा, लल्ला की बोल दियो जा। जी 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 बेवकूफ। आप अब भी नाराज हैं काम से? जो कछु भी हुआ हम उसे याद भी नहीं करना चाहते, आप भी भूल जाइए ना। आलोक जी का जन्मदिन है कल, जीजी ने घर पर बुलाया उन्हें। देखो आलोक जी नाराज है हमसे, ध्यान रखना कल कोई गलती ना हो। आप चिंता नहीं कीजिए, हम उनकी हर नाराजगी दूर कर देंगे, मना लेंगे उन्हें। हम आपसे एक बात पूछें, हमने सुना कि आपने आलोक जी पर हाथ उठा दिया। ऐसी क्या बात हो गई थी जो आपने? तो क्या करता मैं तुम्हारे बारे में कोई भी उल्टा सीधा बोल। बोलिए ना हमारे बारे में कहा। तुम्हें वो जानने की जरूरत नहीं है। उस वक्त जो भी मुझे ठीक लगा मैंने किया, लेकिन जो भी किया वो ठीक नहीं था, वो गलत था। कुछ भी कहो आलोक जी दामाद हैं हमारे, अगर हम आलोक जी के साथ कुछ गलत करते हैं तो उसका सीधा असर प्रीति पर पड़ता है। लेकिन अच्छा है कि जीजी वहां पर थी उस वक्त, सब कुछ संभाल लिया उन्होंने, बात को बिगड़ने नहीं दिया, इसलिए जीजी ने आलोक जी को यहां पर बुलाया है कल। आप सो जाइए, आलोक जी की चिंता मत कीजिए। हाथ कैसा है अब तुम्हारा? ठीक है।
सो जाइए। जीजी आलोक जी को दुकान बेचना चाहती है? हाँ मालकिन, लेकिन जा दुकान पे तो मालिक की जान बसी है। कल बुआ जी ने जो दुकान को बेच दो ना तो हमारे मालिक कहाँ करेंगे, कहाँ जाएंगे, मैं कछु समझ में नहीं आ रही। कितना विश्वास है आपको जीजी पे, और जीजी पता नहीं आलोक जी के साथ मिलके आपके खिलाफ क्या साजिश कर रही है।